नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड में चुनाव है भैया, और चुनावी सरगर्मी भी काफी तेज है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं अपना अपना नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो मैया सम्मान योजना को लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, और कहीं भी जा रहे हैं तो मैया सम्मान योजना की बात की जा रही है। अब हम मैया सम्मान योजना की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, क्या मैया सम्मान योजना की बात करना या फिर मैया सम्मान रखकर किसी योजना का नाम रखकर यह कहना कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्या यही काफी है? क्या महिलाओं का सम्मान हो रहा है ये देखना काफी नहीं है? जी हाँ, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी और मंत्री भी रहे इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, और बयान किस पर दिया है? बयान दिया है सीता सोरेन को लेकर, जो कि अभी बीजेपी नेत्री हैं और वो भी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में सीता सोरेन को लेकर अभद्र टिप्पणी इरफान अंसारी ने की है, और सबसे बड़ी चीज ये है, महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस, महिलाओं की बात करने वाली जेएमएम अब इस बयान को लेकर क्या कुछ कहेगी। फिलहाल हम आपको बयान सुनाते हैं जो इरफान अंसारी ने कही है। बोरो खिलाड़ी चाहिए इनको, जो रिजेक्टेड माल है जो साथी से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिनको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का, लड़िए, जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मजा आता है, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं। अपार जनसमर्थन अब कार्यकर्ता एक दूसरे रहेगा, तो जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि बोरो खिलाड़ी चाहिए। बात अब हम बात कर ले सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन, जब सीता सोरेन ने ये बाइट सुनी और ये बयान सुना, तुरंत ही वो भी एक्टिव हो गई, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वो हम आपको बता देते हैं, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। इरफान जी माफी मांगिए, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। ऐसे में सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। तो ये जो है सीता सोरेन ने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके ये बातें लिखी है, और इरफान अंसारी से कहा है कि आप माफी मांगे, जिस तरह से आपने अमर्यादित बयान दिया है, और अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने भी जैसे ये बयान को सुना, बीजेपी भी हरकत में आई, चूंकि बीजेपी से प्रत्याशी भी है और बीजेपी की नेत्री भी है सीता सोरेन। उसके बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने भी तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए इरफान अंसारी पे, और इरफान क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से हमारी अपेक्षा है कि विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। कल तक सोरेन परिवार की बहू थी सीता सोरेन, तो बहू के सम्मान के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस से इस बात के लिए आपत्ति दर्ज करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। इस तरह की बातें कांग्रेस प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता द्वारा कही गई है कि भाई माफी मांगने के लिए क्या कहा जाएगा, जेएमएम की तरफ से दबाव डाला जाएगा इरफान अंसारी पर, क्योंकि वो भी सोरेन परिवार की बड़ी बहू है। ऐसे में क्या जेएमएम के जो बड़े लीडर हैं और जेएमएम के जो नेता हैं वो क्या इसको लेकर दबाव डालेंगे? उनके गठबंधन के सहयोगी और राज्य सरकार के जो मंत्री इरफान अंसारी, कल सीता सोरेन को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उसकी निंदा करती है बल्कि चुनाव आयोग से हमारी अपेक्षा है कि इस बयान के लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई हो उनके खिलाफ की जाए,
और इस तरह के सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल मैं समझता हूं कि उनकी गिरी हुई मानसिकता दिखाता है, उनकी संस्कार को दिखाता है कि वो किस परिवार में और किस परिवेश में पलकर बड़े हुए हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मेरा प्रश्न होगा कि कल तक सीता सोरेन जी, जो उस परिवार की बहू है, सोरेन परिवार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करती थी, तो बहू के सम्मान के लिए जिस तरह से जो भाषा उपयोग किया गया, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस से इस बात की गहरी आपत्ति दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह फैसला करने दिया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्ववर्ती नेता थी सीता सोरेन, जो आज भाजपा में है, उनके खिलाफ जो अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल किए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्षम है उनको माकूल जवाब देने के लिए। उनके गठबंधन के सहयोगी और राज्य सरकार के जो मंत्री इरफान अंसारी, कल सीता सोरेन को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उसकी निंदा करती है बल्कि चुनाव आयोग से हमारी अपेक्षा है कि इस बयान के लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई हो उनके खिलाफ की जाए। और इस तरह के सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल मैं समझता हूं कि उनकी गिरी हुई मानसिकता दिखाता है, उनकी संस्कार को दिखाता है कि वो किस परिवार में और किस परिवेश में पलकर बड़े हुए हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से मेरा प्रश्न होगा कि कल तक सीता सोरेन जी, जो उस परिवार की बहू है, सोरेन परिवार की, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करती थी, तो बहू के सम्मान के लिए जिस तरह से जो भाषा उपयोग किया गया, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस से इस बात की गहरी आपत्ति दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह फैसला करने दिया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्ववर्ती नेता थी सीता सोरेन, जो आज भाजपा में है, उनके खिलाफ जो अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल किए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के तो इरफान अंसारी ने जब ये बयान दिया, अब इरफान अंसारी की सफाई भी आई है। इरफान अंसारी का कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, उनके बयान को मीडिया की तरफ से तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है, उनके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मीडिया की तरफ से इस बयान को दूसरी तरह से दिखाया जा रहा है। तो बयान पर सफाई भी दी है इरफान अंसारी ने, उन्होंने साफ तौर पर अब जो अपने बयान है, बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन मीडिया ने तोड़ मड़ो के इस बयान को दिखाया है। अब देखिए, यहां पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या व्यक्तिगत टिप्पणी के सहारे ही प्रत्याशी अपने नैया के खवैया पार लगा पाएंगे? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी ही एक ऐसी चीज बची है जिसके सहारे प्रत्याशियों को लग रहा है कि वो जीत सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि देखिए, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से बयानबाजी चल रही है इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव में, उस पर कहीं ना कहीं देखिए, जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर देता है कि आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, आप धर्म को जोड़ते हुए धर्म रिलेटेड कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कोई आहत हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह की टिप्पणी पर भी जो है सख्त रवैया अपनाता है चुनाव आयोग। अब ऐसे में विधि सम्मत कार्रवाई की मांग जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इरफान अंसारी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बात करें सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन का कहना है कि भाई, अगर ये जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं इन्हें और सार्वजनिक रूप से, तब तक इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, और अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उग्र आंदोलन के लिए भी वो तैयार रहें। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की टिप्पणी वो पहले भी कर चुके हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर चुके हैं, और अब की बार व्यक्तिगत टिप्पणी जिस तरह से अभी की गई है, ये किसी भी तरह से वो मान्य नहीं होगा और वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, बीजेपी भी स्वीकार नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, फिलहाल इरफान अंसारी, एक बार हम आपको फिर से बता दें, इरफान अंसारी ने इस बयान का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जा रहा है, और जो बयान है, मैं कहना कुछ और चाह रहा था और इसका जो मतलब है कुछ और निकाला गया है। तो इरफान अंसारी ने जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया सीता सोरेन के लिए, उसके बाद से एक बार फिर से झारखंड की सियासत पे हलचल तेज हो गई है, और यह और अब जो है एक बार फिर से लड़ाई जो है व्यक्तिगत आ गई है।
तो अब इरफान अंसारी ने, आपने देखा अभी हमने आपको सुनाया इरफान अंसारी का बयान, हमने आपको सुनाया किस तरह से उन्होंने बयान दिया है, और वो अक्सर उनको बयान बहादुर के रूप में भी लोग जानते हैं, वो इस तरह के बयान दिया करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक महिला के लिए बयान दिया गया, ये इस तरह के बयान क्या देने ज़रूरी थे? और जब एक प्रत्याशी और एक कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर, एक अच्छे पद पर बैठा हो, जिसकी गरिमा हो, जिसकी मर्यादा हो, अगर वो व्यक्ति इस तरह के बयान देता है, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ऐसे बयान जो है समाज में कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, ये समझना होगा। अगर आप किसी भी ऐसे पद पर बैठे, मर्यादित पद पर बैठे हैं, तो ये समझना होगा कि इस पद की तो गरिमा बनाना ही है, और आप एक बड़े लीडर भी हैं, आप एक बड़े लीडर हैं, एक बड़ा चेहरा है, तो उस चेहरे को भी बरकरार रखना है। और ऐसे बयान देने से वोट नहीं मिलते हैं, ये सबको पता है। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं जो है मुसीबत खड़े करते हैं। इस तरह के बयान जनता के बीच में एक निगेटिव जो एक तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं पेश की जाती है। अब आप चाहे जितना भी इसको लेकर सफाई क्यों ना दे दे, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार तीर कमान से निकल गई तो फिर वो फिर वो वापस नहीं आ पाती है। तो इसलिए जो है कोई भी नेता क्यों ना हो, उसको बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह के बयान दे रहा है, तो उस बयान को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, और उसे समझना चाहिए कि वो किस तरह का बयान दे रहा है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, यहां पर बात की जाए कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है और चल रही है, और झारखंड में चुनाव है, 13 तारीख को फर्स्ट फेज में चुनाव है, नवंबर में 13 नवंबर को, 20 नवंबर को सेकंड फेज में चुनाव है, दो फेज में झारखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी हलचल तक तो ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप भी लगाएं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी एक महिला के ऊपर करना, ये भी ठीक नहीं है। फिलहाल इरफान अंसारी ने इसको लेकर अपनी सफाई भी पेश की है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर लामबंद है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर करनी चाहिए, और अगर ऐसा वो लोग चुनाव हो सकता है चुनाव आयोग से मुलाकात भी करें इस बयान को लेकर। और सीता सोरेन जो है अब मुखर हो गई हैं, मुखर होकर वो अपनी बातें भी रख रही हैं सोशल मीडिया पर कि इरफान अंसारी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर जो है उन पर कार्रवाई, मतलब वो उग्र आंदोलन करेंगी, और सीता सोरेन के द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बीजेपी भी कह रहा है कि भाई इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पूरी प्रदीप सिन्हा जी, स्वागत आपका न्यूज़ बाई स्कोप में। प्रदीप सिन्हा जी, सवाल ये कि इरफान अंसारी ने बयान दिया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, सीता सोरेन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, अब वो सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा कुछ ऐसा कहना ही नहीं था, मीडिया मोड़ तोड़ के इस बाइट को दिखा रहा है, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे और दिखाया कुछ और जा रहा है। प्रदीप सिन्हा जी, सवाल ये प्रदीप सिन्हा जी, इरफान अंसारी ने बयान दिया है और बयान ये अब मर्यादित टिप्पणी की है सीता सोरेन के ऊपर, ऐसे में अब उन्होंने अपने बयान से पलटी भी मार ली है। उनका कहना यह है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, वो कहना कुछ और चाह रहे थे और दिखाया कुछ और जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अब उनको पछतावा हो रहा है कि ये मैं क्या कह गया, लेकिन जो बात उनके जुबान से निकल गई पब्लिक डोमेन में है, और सारे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहा था और किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की थी। और जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की सोच का, तो उनके बयान से ये परिलक्षित होता है कि उनका जो परिवेश है और लालन पालन किस माहौल में हुआ है। और अब बयान से जो पलटने की बात आप कह रहे हैं, अब पलटने से कुछ नहीं होगा, और मीडिया पर्सन पर जो आरोप लगाए जाते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो बोलने से पहले विचारना चाहिए था उनको कि क्या कहना है उनको,
सीता सोरेन के बारे, जब उनकी जुबान फिसलने की बात वो कह रहे हैं कि जुबान फिसल गई या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुरी दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जुबान फिसला नहीं है उनका, वो अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही जाने जाते हैं, उसी तरह की विवाद टिप्पणियां जिस किसी पर भी करते हैं। इसलिए अब जब तीर कमान से निकल गया तो पछताने से कोई लाभ नहीं है, उनको सीधे सीधे क्षमा याचना करनी चाहिए सीता सोरेन से। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारा प्रश्न ये है कि उनके परिवार की वो बहू है, भले ही भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन परिवार के बहू के सम्मान के लिए तो कम से कम उनको सामने आना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के सामने तो कम से कम आपत्ति तो दर्ज कराते कि ये इरफान अंसारी सीता सोरेन के बारे क्या बोल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक मजबूरी और जो एक तुष्टिकरण का विषय उनके मन में दिन भर चलता रहता है, शायद इसी कारण सोरेन फैमिली की जुबान बंधी हुई है। तो ऐसे में प्रदीप से क्या कहा समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर तो महिला सम्मान योजना चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन जब महिला सम्मान और महिलाओं के सम्मान की बात की जाए, इस तरह के बयान जब सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख इस बात का होता है कि महिलाओं के सम्मान की बात जो भी करता पार्टी कोई भी हो, अगर महिलाओं के प्रति अगर अभद्र टिप्पणी की जाती है और सिर्फ इसलिए कि हम चंद वोट अपनी तरफ कर लेंगे, तो आपको लग रहा है कि समाज हमारा सही ओर जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, महिलाओं के प्रति सम्मान है लोगों के अंदर? देखिए, सम्मान वगैरह का जो ढोल पीटते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सिर्फ चुनावी सम्मान है। अगर महिलाओं को सही में सम्मान दिया होता तो रघुवर दास की सरकार के समय जो योजना चलाई जा रही थी कि 50 लाख तक की संपत्ति अगर महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराई जाएगी तो मात्र 1 रुपए के निबंधन शुल्क पर महिला के नाम से रजिस्ट्री हो सकती थी। इस सरकार ने आते ही उस योजना को बंद किया, और इन्होंने तो कहा था कि हम चूल्हा खर्चा देंगे 2000 रुपए का, वो भी नहीं दिया। अब जब सेप्टेम्बर महीने में इनको याद आई कि अब तो चुनकी चुनाव में जाना है, तो वोट जुगाड़ने के लिए कुछ पासा फेंका जाए, तो ये मैया सम्मान योजना जो है वही है। अगर इनके मन में कहीं ना कहीं अस्पष्टता होती तो सरकार के कार्यकाल में आने के बाद प्रथम चरण से ही वो शुरू कर सकते थे। अब तक तो मैं समझता हूँ कि 55-60 हजार रुपए लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन मात्र 4-5 हजार देकर भी अगर आप ढोल पीट रहे हैं और ये तो इसको सशक्तिकरण नहीं कर सकते, और जो बयान आपने दिया है वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपका कथनी और करनी में किस तरह का फर्क है। अगर माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा बीजेपी का? प्रदीप सिन्हा जी, जी आपका अगला कदम क्या होगा सर बीजेपी का? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही आपको। प्रदीप सिन्हा जी, इरफान अंसारी के बयान पर अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बयान की कड़ी निंदा करता है, साथ साथ हम वर्तमान सरकार से अपेक्षा करेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आज राज्य में चल रही है, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनके एक कैबिनेट मंत्री ने जो बयान दिया है उससे सरकार की छवि महिलाओं के बीच कैसे जाएगी, अगर रत्ती भर भी उनको चिंता है, क्योंकि सरकार को तो चिंता होगी नहीं, क्योंकि इस राज्य में विगत 5 वर्षों में 7,000 से जब रेप के केसेस होते हैं तब भी सरकार के मुखिया चुप्पी साधे रहते हैं, तो कोई बहुत उम्मीद तो नहीं है उनसे। लेकिन चूंकि वो सोरेन परिवार की बहू है, शायद इस नाते भी अगर टीका टिप्पणी करें उन पर रोक लगा दी जाए इस तरह के बयानबाजी से, मैं समझूंगा कि सोरेन परिवार को महिलाओं की चिंता है। अच्छा, क्या चुनाव आयोग से आप लोग शिकायत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मसले में पार्टी भी विचार विमर्श करेगी, क्या करना है और क्या विधि सम्मत हो सकता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए तो हमारे साथ राफिया नाथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वो भी है। राफिया नाथ जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। राफिया नाथ जी, महिलाओं को लेकर जिस तरह अभद्र टिप्पणी की गई है और खासकर सीता सोरेन को लेकर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की है इरफान अंसारी ने, उसको लेकर उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया तोड़ मड़ो के बातों को चला रहा है और वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है।
देखिए, पर्ची पर मैया सम्मान लिख करके घूमना और दिल पे मैयाओं के लिए अपमान लिख करके घूमना, ये दोनों में बहुत अंतर है। इरफान अंसारी सिर्फ पर्ची में मैया सम्मान लेकर के घूम रहे हैं और दिल में मैयाओं के लिए अपमान लेके घूम रहे हैं, जो उनके लफ्जों से झलक रहा है। स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी और आदिवासी सम्मान समाज की सम्मानित नेत्री श्रीमती सीता सोरेन जी के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी इरफान अंसारी ने किया है, तो उन्होंने सिर्फ सीता सोरेन जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने समस्त आदिवासी बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है जिनका नेतृत्व श्रीमती सीता सोरेन जी करती है। और ये इरफान अंसारी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो इनकी तो आदत है कि पहले आकर के अपमानित करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गया। और इनके तो ये मतलब डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में, कि महिलाओं को अपमानित करना, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस के अन्य नेता महिलाओं को अपमानित करते। तो इरफान अंसारी को सामने आकर के माफी मांगना चाहिए और हेमंत सोरेन जी को इरफान अंसारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी घर की बहू, एक आदिवासी समाज की नेत्री के ऊपर इस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी हुई है, इसे आदिवासी समाज और समस्त समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि मैया, आप मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं और मैयाओं को इस तरीके से अपमानित आपके एक कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं, एक नेता कर रहे हैं, और आप हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है मैयाओं की सम्मान की और माताओं की सम्मान की, तो फिर ये कल्पना सोरेन जी क्यों चुप बैठी है श्रीमती सीता सोरेन जी की अपमान पे? उन्होंने अभी तक एक टिप्पणी क्यों नहीं कही है इरफान अंसारी के खिलाफ? और क्यों कांग्रेस इरफान अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? अच्छा, यहाँ पर बात की, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो फिर क्या आगे आप लोग करेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता साफ तौर पे देख रही है कि किस तरीके से इरफान अंसारी लगातार महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और वो अपना अपमानित करते आए हैं, क्योंकि उनकी आदत है कि वो अपमानित करते हैं, उसके बाद फिर वो कह देते हैं कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, हमने कोई अपमानित नहीं किया, ये मीडिया गलत चला रही है। ये तो इनको ना अपना किया हुआ जो कर्म होता है वो दूसरे के ऊपर मढ़ना इरफान अंसारी को बहुत अच्छे तरीके से आता है, और इस चुनाव में जनता इरफान अंसारी को मुंह तोड़ जवाब देगी, और मुंह तोड़ जवाब ये रहेगा कि उस इरफान अंसारी जिसने महिलाओं को अपमानित किया उसे जामताड़ा से उखाड़ के फेंकने का कार्य ये जनता करेगी, क्योंकि जनता कभी भी एक बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करती। के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए, तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए, जिस तरह से मैया सम्मान योजना की बात तो की जा रही है, लेकिन आरोप बीजेपी लगा रही है, अगर आप मैयाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो सम्मान भी दिखना चाहिए और महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी जो है नहीं करनी चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा। और ये भी जो है सभी पार्टी के, जो पार्टी कोई क्यों ना हो, सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो इसे जो है देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के ऊपर किसी तरह की अभद्र टिप्पणी ना की जाए। और चुनाव आयोग को भी ये देखना चाहिए कि अगर इस तरह की टिप्पणी होती है तो वो तुरंत सख्त कार्रवाई ले, वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में लड़े, ताकि लोग जब वोट करने जाए तो उनको लगे कि हम किसी प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं, प्रत्याशी अच्छा है, प्रत्याशी का नेचर अच्छा है, प्रत्याशी महिलाओं की इज्जत करता है, प्रत्याशी हमारे लिए काम कर सकता है। तो एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में हमें वोट करना चाहिए। अब हम